कारवां टीवी हर पल आपके साथ। बाबा कमाल साहब भंडारी की बारगाह में जो भी सवाली जाता है वह कभी मायूस नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला बरेली के नवाबगंज के गांव टांडा सादत के बीच बस्ती के तशरीफ फरमा है। कमाल साहब भंडारी, बाबा कमाल साहब भंडारी एक ऐसे पीर हैं जिनकी बारगाह में जो भी सवाली गया वह कभी मायूस वापस नहीं लौटा। बाबा ने उस इंसान की हर एक नेक मुराद को पूरा किया जो सवाली दिल में हसरत लेकर गया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया, बाबा कमाल साहब भंडारी की दरगाह के पास एक कुआं है। जो बीमार उस कुएं का पानी पीता है वह शिफा पाता है। ग्रामीणों लोगों ने बताया, एक बार का वाक्या है, एक बार एक बुजुर्ग दरवेश शेर पर बैठकर जब बाबा से मिलने पहुंचे तो उस समय बाबा दीवार पर बैठे हुए थे। जब बाबा ने बुजुर्ग को अपनी तरफ आते देखा तो बाबा ने दीवार को हुक्म दिया कि अल्लाह के नेक बंदे मुझसे मिलने मेरे स्थान तक आ गए, मगर तू दो चार कदम आगे नहीं बात सकती, चल तू भी आगे बढ़। इतना कहना था कि दीवार धीरे धीरे शेर पर बैठे दरवेश की तरफ बढ़ने लगी और उस दीवार पर बाबा कमाल साहब भंडारी बैठे हुए थे। यह देखकर शेर पर बैठे दरवेश बहुत खुश हुए। दरवेश ने कहा, कमाल आप तो वाकई कमाल के हैं। फिर दोनों एक दूसरे के सामने मुखातिब हुए और एक दूसरे को सलाम करके हाल चाल जाना और एक घर पर बैठे बुजुर्ग में बाबा कमाल साहब भंडारी को बहुत से दुआएं दे और उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम यही से चमकेगा, लोग तुमसे फैज ऑफ होने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और तुम उसकी हर परेशानी का समाधान करोगे। लोगों ने बताया, बाबा के इस गांव में आने से पहले इस जगह पर बियाबान जंगल था जहां किसी का आना जाना नहीं होता था। कोविड की वजह से दो साल से कमाल साहब बाबा भंडारी का उर्से मुबारक नहीं हो पाया, जिससे उनके कई मुरीदीन बाबा की दरगाह पर हाजिरी नहीं दे सके। उन्होंने सिर्फ घर में रह कर के उनके बाबा के नाम की फातिहा अपने घर में करवा दी। आइए जानते हैं गांव के कुछ पुराने लोगों से बाबा की करामातों के बारे में हमारी इस खास खबर में। देखिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम रियासत अली। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कौन सा गांव है ये? टांडा सादात। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत आप पीछे देख रहे हैं। जी जी। सरकार का नाम मैं जानना चाहूँगा। उनका नाम हजरत कमाल भंडारी साहब रहमतुल्लाह अलैह। बाबा की करामतों के बारे में भी थोड़ा बयां कीजिए, किस तरीके की बाबा की करामतें थी और कब आए थे? बाबा की करामात ये है कि बाबा जब यहाँ आए तो ये बियाबान जंगल था और जंगल में आए कि यहाँ बैठे, जो हमने सुन रखा है। जंगल में आके बैठे तो उस वक्त लोग जब तक कोई करामात नहीं देखते थे तो आप किसी को तस्लीम नहीं करता था, कोई बलि मानने को तैयार नहीं होता था। तो बाबा की कुछ करामातें देखी लोगों ने कि किसी ने खाने पीने को नहीं दिया तो जो अपना धुना जलाते थे, जो तापते थे, उसी राग को घोट के और कश्ती में पी लिया करते थे, जो कांसा होता था उनका उसमें। उसके बाद में रहते रहे, लोग आते रहे और लोग जुड़ते रहे और इत्मीनान करते रहे। उसके बाद में एक बार ऐसा हुआ कि एक दुर्वेश शेर की सवारी से मिलने आए थे आपसे और आपने वजू बना रहे थे आप नमाज पढ़ने के लिए। आपने देखा कि कोई बुजुर्ग मुझसे मिलने शेर की सवारी चाह रहे हैं, तो आप जिस दीवार पर बैठे थे तो आपने उस दीवार से कहा कि वो इतनी दूर से शेर की सवारी से मिलने आए हैं, क्या तू चार कदम बल्कि सलाम नहीं ले सकती है? तो ये दीवार जो इस पर बैठे थे वो चार कदम दीवार अगले बढ़ गई। जब उनने देखा, जो बुजुर्ग आए थे उनने देखा कि जो तो बहुत जय्यत वली हैं और उन्होंने उनकी करामात देख कर उन्होंने कहा कि आप तो बड़े कमाल के हो कमाल साहब भंडारी, और उन्होंने उनका खैर मकदम किया और फिर उस तारीख से बाबा का नाम हर जगह रोशन हो गया हजरत कमाल भंडारी साहब हजूर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। अच्छा,
अच्छा बाबा एक बात और है, यहाँ पर एक पीछे जो वो एक वो बना हुआ है डब्बी जिसको बोलते हैं, यहाँ पर बाबा क्या करते थे, यहाँ पर बैठते? ये उनका हयात में बैठने की जगह थी, इसको गद्दी बोलते हैं। वहाँ पर बैठते थे हयात में अपने, और जो उनके चाहने वाले थे जिनकी आप देख रहे हो जो छोटी छोटी मजारें बनी हुई हैं, जो उनके हमराही थे, साथी थे उनके, हाँ जो उनके साथी थे, कहिए हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से कहते हैं कि ये खलीफा थे। अच्छा। उनके साथी थे। अच्छा बाबा एक बात और जानना चाहेंगे, सामने जो कुआं दिख रहा है जी, इसकी भी बहुत ज्यादा लोग बताते हैं इसमें सिफा है इसके पास। इसकी सिफा ये है कि ये मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे गांव के भी लोग हैं, उनसे भी आप दरियाफत कर लें, अगर कोई बीमार पी लेता है तो उसे शिफा हो जाती है। एक भैंस जली हुई थी, एक आदमी लाया था धोखे में, गरीब खरीद लाया, तो उसकी कभी आँख ख़त्म नहीं हो रही थी, इसी पानी के नहलाने और पिलाने से उसकी आँख ख़त्म हो गई। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान, वैसे तो लोग हार जीत होती है, लगी है, लग रही है, जीत रहे हैं हार रहे हैं, लेकिन हमारे इनका यह गरीब परिवार का बेटा प्रधान ही लड़ा था, तो उन्होंने ही नाक माथा टेक दिया कि बाबा मैं अगर प्रधान ही मुझे जिता दे, मेरी तमन्ना है प्रधान ही जीतने की, जीता तो पहला काम बाबा की मजार से स्टार्ट करूँगा, वो उन्होंने करके दिखाया, आप देख रहे हैं वो करा रहा। क्या नाम था उन प्रधान जी का? उसका नाम है इशाक अहमद, उस बेटे का। गरीब परिवार? गरीब परिवार से। तो उनकी मियानत सुन ली? उनकी सुन ली, हाँ बिल्कुल सुन ली। ऐसे बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर लोग कुछ करा देते हैं, या फिर पे चक्कर होता है तो बदायूं शरीफ से, कलियर शरीफ से जहाँ तहाँ से आर्डर होता है, वो मरीज यहाँ आता है और खुदा के करम से हजरत कमाल भंडारी साहब की दुआओं से यहाँ से ठीक होकर जाता है। यहाँ पे उर्स पाक कौन से महीने में? मई में होता है। मई में? हाँ। तो ये कमेटी है यहाँ पर, क्या है कमेटी के द्वारा होता है? अच्छा है, रजिस्ट्रेड कमेटी तो ये नहीं है, क्या नाम, जो किसी ज़माने में रजिस्ट्रेड कमेटी थी जो वफोर्ड से होती है, तो वो तो अब यहाँ कुछ नहीं करती है, लेकिन बस्ती नहीं बसी है, तो इस हिसाब से जो लॉर्डों ने अपनी बना रखी कमेटी, आपस में हम तो सब लोग मिलकर वो रस्म मनाते हैं। बाबा जैसे चर्चाएं हैं जी कि ये काम कुआं जो था पहले फटा हुआ था, उसके बाद किस तरीके से खोदा गया, इसको क्या वो बात है पूरी बताइए। तो हमारी मस्जिद ये मजार पर मस्जिद है जो नूरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर एक इमाम साहब थे, उनका नाम था हाजी इशाक अहमद, तो उन्हें ख्वाब में बाबा ने दस दिया था कि मोहब्बत भी करते थे वो बहुत है, कि ये कुआं खुदवाओ मेरा, जो पाट रखा है इसके पानी से लोगों को शिफा होगी। उनने लोगों से चर्चा करा, बच्चों को जोश आया, उन्होंने उठाया के कुआं को खोल दिया और पानी जारी हो गया, और इस पानी से तमाम लोगों को फैजाब हो रहे हैं, बराबर जाता है पानी, यहाँ से दुबई तक गया इसका पानी, हर जगह लोग ले जाते पानी। इसके अंदर जो ईंट निकली थी वो कम से कम 800-900 साल पुरानी इसके अंदर ईंटें निकली, तब का बना हुआ है कुआं, आज का नहीं है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।